गाइस वेलकम टू ऑल अबाउट लेट्स सी कि हम सिलेबस में देखो अब लास्ट के ऑलमोस्ट 20-25 डेज बचे हैं। मुझे पता है मैं कम डेज बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि बीच में एक आध दिन ऐसा होता है कि अच्छा दिन नहीं होता, वी आर नॉट फीलिंग वेल, तो एक आध दिन का ब्रेक लेके अगर मैं सिलेबस को ब्रेक डाउन करूँ कौन से टॉपिक्स हैं जो इन लास्ट कपल ऑफ डेज में यू हैव टू प्रैक्टिस, जो करने ही है, सो वी विल फोकस अपॉन देम। अभी तक तो हम सिर्फ यही सोच रहे थे एग्जाम डेट क्या है, कब आएगी एग्जाम, कौन सा एग्जाम डेट, तो अब हमें पता है, वी नो व्हाट इज आर एंड गोल, कब तक हमें एंड गोल को अचीव करना है। तो 8th of September तक से पहले व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है फॉर देम, दिस इज द वीडियो। सी क्योंकि कट ऑफ जो है वो मुझे नहीं पता, मैं कट ऑफ के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी, बट वैकेंसीज वी ऑल नो बहुत कम है। पेपर का पैटर्न अगर मैं लास्ट 2 ईयर्स को कंपेयर करूंगी देन आई वुड से क्वांट बहुत मुश्किल थी, इट वॉज ऑन द डिफिकल्ट साइड, द रीजनिंग वॉज ऑल्सो यू नो डिफिकल्ट, इंग्लिश वॉज ईजी, आई वुड से लिटरली ईजी, अगर मैं क्वांट और रीजनिंग के सामने इंग्लिश को रखूँ तो बहुत ही ज्यादा ईजी लगेगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट योर जीए पोर्शन, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं दैट यू हैव टू फोकस, क्योंकि 80 मार्क्स दैट इज 40% ऑफ योर पेपर इज अलोन कमिंग फ्रॉम योर जीए पोर्शन। अगर पेपर पैटर्न की बात करें, ड्यूरेशन की बात, इंग्लिश को 25 मिनट, यू आर गिवन 30 क्वेश्चंस, लास्ट 2 सालों से इंग्लिश इज कमिंग मॉडरेट लेवल, इजियर लेवल आई वुड से, कर लोगे बहुत आराम से, बट दिस इज वॉट आई एम सेइंग फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, आई डोंट नो वट विल हैपन दिस ईयर, बहुत डिफिकल्ट आ रही है। इन 25 मिनट सॉल्विंग 30 क्वेश्चंस, इट्स अ टास्क। अब कौन से टॉपिक्स को पिक करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। रीजनिंग में 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करना दिखने में बहुत लग रहा है 45 मिनट्स है हो जाएंगे, बट क्वेश्चन की सिलेक्शन करना, दैट इज वेयर द मेन थिंग लाइज। अब लास्ट ईयर कुछ दिनों में हमें वही स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी है कि कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से टॉपिक्स अभी रिवाइज करने हैं लास्ट मोमेंट रिविजन। और ऑब्वियसली 25 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना, इट इज अ टास्क। यहाँ पे ऑब्वियसली योर एमसीक्यू प्रैक्टिस विल कम इन टू प्ले, बट प्रैक्टिस से ज्यादा अभी ये भी जरूरी है कि आप रिवाइज क्या कर रहे हो, कौन सी चीजों को पहले रिवाइज कर रहे हो, कौन सी चीजों को बाद में। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको देखो ये सारे टॉपिक्स हैं, बट अब इफ यू विल आस्क मी कि लास्ट ईयर, लास्ट कपल ऑफ ईयर, लास्ट 2 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो आई वुड से सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट में अगर ऑन एन एवरेज मैं बोलूँ तो लास्ट 2 साल में 12 क्वेश्चन आए हैं, सो दैट मीन्स सबको सिटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए प्रैक्टिस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो सिटिंग अरेंजमेंट तो करोगी प्रैक्टिस, उसके बाद जिसके क्वेश्चन आए हैं दैट इज योर पजल एंड ऑल, तो पजल के 15-20 क्वेश्चन रहते हैं, बट कम की तरफ मान के चलते हैं, चलो 15 क्वेश्चन आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। इसके अलावा जिसका वेटेज सबसे ज्यादा हाई रहा है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग से रफली 9 से 10 क्वेश्चन रहे हैं दोनों ही साल में। सिलॉजिज्म यहां से 2-3 3 मान के चलते 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस वर देयर। देन इनइक्वालिटी से क्वेश्चन थे, उसके बाद आपके कोडिंग डीकोडिंग से क्वेश्चन थे, उसके बाद यू विल आल्सो सी सर्टेन क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम एक अदर ब्लड रिलेशन से, कोई इधर उधर से क्वेश्चन आया हो तो आया हो। डेटा सफिशिएंसी से देयर वर क्वेश्चंस। इसके बाद इन सब सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलॉग्स, लास्ट के जो 2-3 टॉपिक योर इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, या दो तीन क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन दे वर देयर। तो अब हमें फोकस किस पे करना चाहिए, लास्ट के कुछ दिनों में जो आपकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, अपने स्ट्रेंथ को, उसको तो प्रैक्टिस करो ही करो, क्योंकि देखो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है जिसमें आपको बहुत अपने आप पे कॉन्फिडेंस है उसको नहीं छोड़ना है, ऑन एंड ऑफ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देम। पर सेटिंग अरेंजमेंट पजल के बिना रीजनिंग कर पाना, क्वालिफाई कर पाना, इट कैन बी अ लिटिल बिट टफ।
देखो आपके पास 45 मिनट्स का टाइम रहेगा रीजनिंग के लिए, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि रीजनिंग में पहले 10 से 15 मिनट, देखो पहले तो पेपर मिलते ही 2 मिनट एक बार देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन है, उसके बाद काम ली 10 से 15 मिनट पेपर में से ऐसे क्वेश्चन ढूंढना जो वन लाइनर है, जो पैराग्राफ बेस्ड नहीं है, क्योंकि आप देखोगे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया या फिर पजल हो गई, ये जनरली बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे अगर आप थोड़े भी हाइप्ड अप हो या फिर इफ यू आर यू नो रियली फीलिंग एंग्शियस, तो हो सकता है दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस इन द फर्स्ट गो। तो फोकस क्या करना है, फोकस आपको ये करना है कि पेपर में पहले 10 से 15 मिनट यू हैव टू गिव टू सर्टेन क्वेश्चंस, जैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर लो, इजी होते हैं, क्वेश्चन की लेंथ भी छोटी होती है, और अगर आप प्रैक्टिस किया हो तो पेपर में हो भी जाएगा। कोडिंग डीकोडिंग कर लो अगर समझ में आए एक बार में, डेटा सफिशिएंसी है, ब्लड रिलेशन है, सिलॉग्स है, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बाद में लिखे हैं ये सारे आप पहले 10 से 15 मिनट एक बार क्वेश्चन फ्लिप करके देख लो, अगर इनमें से कुछ होता हो। देखो अगर हम लास्ट लास्ट ईयर पेपर की बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो रफली 10 से 11 क्वेश्चन, 10 to 11 questions यू विल बी एबल टू सॉल्व इन 15-20 मिनट्स अगर आपका प्रैक्टिस अच्छी है। अब बच्चे कितने, लास्ट के 30 मिनट्स, 30-25 मिनट्स रफली, उसमें क्या करना है, उसमें फिर जाके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल यू हैव टू पिक, सारा तो सॉल्व करना नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रॉम 60 मार्क्स 60 में से 60 तो करने नहीं है, यू हैव टू यू नो पिक सर्टेन थिंग्स एंड देन लूज इट। आफ्टर ऑल यहाँ पे पूरा गेम ही है द बेटर क्वेश्चन यू आर पिकिंग, सो उसके लिए भी यू नो प्रैक्टिस कम्स इन टू प्ले। उसमें क्या करो, जो बचे हुए 25-30 मिनट्स है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सॉल्व करो, एंड यू नो ये स्ट्रैटेजी, दिस इज अ पर्सनल स्ट्रैटेजी दैट वी यूज, तो ये आप एक बार जब भी आप अपने MCQs प्रैक्टिस करो ना, जो भी आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो भी दे रहे हो उसमें ये स्ट्रैटेजी जरूर अपना के देखना, क्योंकि क्या होगा जैसे ही आपने 10 से 11 सॉल्व अगर पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो एक आपको इनहेरेंट बूस्ट देगा कि अब मैं आगे कर ही लूंगा, क्योंकि अब जैसे होता है ना हम 8-9 questions यू नो वी आर एबल टू डू, तो फिर उसके बाद एक स्ट्रेंथ आ जाती है दैट वी विल बी एबल टू डू इट नाउ। बट अगर हम पहले सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल में फंस गए और मान लो पहले के 10 मिनट में एक भी क्वेश्चन नहीं किया तो हमारे मोरल को बहुत डाउन करेगा, और जो कि नॉर्मल है, जरूरी नहीं है कि हमने जो अपने चॉइस ली सीटिंग अरेंजमेंट या पजल की वो हम सही करके आए, देयर कैन बी इंस्टेंसेस मे बी वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, इन दैट केस एंक्शियस नहीं होना है बिकॉज यू नो टिल द लास्ट मिनट द बैटल इज ऑन। सो फॉर दैट, फॉर हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, सबसे पहले छोटे क्वेश्चंस, छोटे टॉपिक्स जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है पहले 10 से 15 मिनट सिर्फ वही सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वांट की बात करते हैं, क्वांट में आधे से ज्यादा पेपर डेटा इंटरप्रिटेशन पे आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आई होप यू नो 3 तरह की हो सकती है, या तो नॉर्मल DI होती है, RBI में तो नॉर्मल DI भी काफी टफ लगने लगती है कभी कभी, केसलेट हो सकते हैं, और या फिर आपकी अरिथमेटिक बेस्ड DI कैन बी देयर। अब इन लास्ट कपल ऑफ डेज में ये सारी DI यू हैव टू प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है कि आप ये सारी प्रैक्टिस करके ही पेपर में जाएं, अदरवाइज देखो बिना DI किए क्वांट पार करना इट्स नॉट पॉसिबल, आपको DI करना ही पड़ेगा। सो लास्ट कपल ऑफ डेज कम से कम नहीं तो स्टार्ट एटलीस्ट 50 DI प्रैक्टिस करके ही पेपर में बैठना। इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, देखो DI तो डेफिनेटली क्वेश्चंस रहते हैं, उसके अलावा नंबर सीरीज से यू विल डेफिनेटली फाइंड अ क्वेश्चन, अगर मैं लास्ट 2 सालों की बात करूं नंबर सीरीज से देवर क्वेश्चंस, रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी अगर मैं बोलूं जो डुएबल टॉपिक्स है, अगर पढ़े होंगे तो हो जाएगा अगर बेसिक्स क्लियर होंगे, जैसे पार्टनरशिप, अगर बेसिक क्लियर होंगे डेफिनेटली यू विल बी एसिंग इट। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कर लो, एज बेस्ड क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, यू विल बी एबल टू डू इट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन से ऑन एंड ऑफ 1 or 2 क्वेश्चंस वर देयर। DI से तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नो मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वेटेज के थे ही, देन प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड DI कैन ऑल्सो कम,
तो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड टीआईबी प्रैक्टिस कर लो, अरिथमेटिक बेस्ड पे. अरिथमेटिक के कौन से क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक. अगर इसमें किसी में भी वीक हो, किसी टॉपिक में लग रहा है कि दोबारा रिवीजन चाहिए, देर इज इनफ टाइम, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट. बट आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा बिना डीआई के. डीआई तो सॉल्व करना ही है, एक ना एक डीआई तो करके ही आना है. तो अब इसको कैसे करें, हमारे पास जो भी टाइम है उसमें हाउ कैन वी मैनेज यू नो ऑल दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन. तो क्या करो, पेपर के शुरू में गिव अ लिटिल टाइम टू द स्मॉलर क्वेश्चन, जैसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है. यहाँ क्वाड्रेटिक में लिखना भूल गई, यू कैन ऑल्सो एड क्वाड्रेटिक ओवर हेयर. देखो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन रहेंगे ना, पहले क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर जिस भी चीज में आपको ज्यादा कंफर्टेबल है. जैसे हो सकता है आप नंबर सीरीज में कंफर्टेबल हो, नंबर सीरीज तो करके जाना आई है. अगर आपको मान लो धोखे से सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दिख गया, जो कि पिछले 2 साल में तो नहीं आया है, बट कह नहीं सकते इस बार आ गया, तो ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है. यही तो है क्वेश्चन जो करने लायक है. पहले ये छोटे क्वेश्चंस को कर लो, उसके बाद डीआई पे जाना. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पहली उठा ली डीआई और हमसे सॉल्व ही नहीं हुई. हमने 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट करे, और पहले जो क्रूशल 5-10 मिनट होते हैं अगर उसमें क्वेश्चंस बनने लग जाए तो अपने आप एक मोरल बूस्ट होता है. एंड यू नो वो हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो शायद से अगर हमें कोई टॉपिक कम भी आता होगा, वील बी एबल टू डू इट. सो दैट्स वेयर द थिंग इज. बट हाँ, क्वांट में, रीजनिंग में प्रैक्टिस इज द की. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी इन द एग्जाम. इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन विच इज योर इंग्लिश, लास्ट 2 सालों में ईजी आई है, वी कैन एक्सपेक्ट कि इस बार भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगी. बट फिर भी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आई एम अज्यूमिंग कि अगर आरबीआई के एग्जाम के लिए बैठ रहे हो तो बेसिक इंग्लिश जो होती है वो हमारी अच्छी है, तो बेसिक इंग्लिश की ही जरूरत है. बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं आएगी, कैट लेवल की इंग्लिश नहीं पूछता है वो जनरली, लास्ट 2-3 साल से तो नहीं पूछ रहा है. सेम पैटर्न में भी आगे भी कंटिन्यू रखेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल आरबीआई का पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही करना है. मुझे लगता है बेसिक इंग्लिश आती होगी. प्रैक्टिस करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो. अगर किसी चीज में वीक हो, जैसे ईडियम्स में वीक हो या कुछ भी हो, तो प्रैक्टिस कर लो. बस जितना ज्यादा प्रैक्टिस है उतना ज्यादा समझ में आता रहे. इफ आई मूव अहेड एंड टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कुछ टॉपिक्स है विच आर इम्पॉर्टेंट. बट अब आप पूछोगे इन टॉपिक्स में भी हमें क्या करना है. देखो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, या लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 और 2022 की बात करो, एक रफ एस्टिमेट देखते हैं जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं. जनरल अवेयरनेस विच इज 80 मार्क्स, जो कि आपका 40% पेपर है. जनरली अगर ये पेपर सबसे अच्छा गया तो कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी. ओवरऑल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ तो अलग से क्लियर करनी ही है. यहाँ पे मार्क्स लाना इज कंपैरेटिवली इजियर. तो आप कैसे ला सकते हैं, देखो लास्ट और लास्ट कपल ऑफ इयर्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ESI, जिसमें हम PIB पढ़ते हैं, जिसमें हम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ते हैं, या फिर जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स का पोर्शन कवर करते हैं मेजरली, इस सब पोर्शन से अगर मैं लास्ट ईयर बात करूं तो 30 क्वेश्चंस वर देयर. अगर मैं लास्ट टू लास्ट ईयर बात करूं तो भी 25 क्वेश्चंस के करीब थे. अब अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, फाइनेंस से, बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेसिफिकली इस टॉपिक से, जैसे आरबीआई सर्कुलर्स हो गए, सेबी के सर्कुलर हो गए, यस सेबी के सर्कुलर भी करने, कोई IRDAI, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज लेकर आती है देन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट हो गई, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया. बट अगर मैं फाइनेंस के ऊपर बात करूँ, आरबीआई के सर्कुलर्स, सेबी के सर्कुलर्स, कोई और रेगुलेटरी बॉडी कोई नया इनिशिएटिव लेकर आया, देन दैट. इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, देन रफली देर वर 18-19 ऑड क्वेश्चंस इन द लास्ट ईयर, एंड वही 15 क्वेश्चंस इन लास्ट टू लास्ट ईयर. कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली स्टैटिक के भी थे, जैसे बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया या और भी बहुत सारे क्वेश्चन. बट एक चीज समझने वाली है, वो स्टैटिक हम बोल रहे हैं पर वो पूछे इसीलिए गए थे क्योंकि वो चीजें करंट अफेयर में कहीं ना कहीं चल रही थी, वो बहुत बेसिक थी, हम रोज पढ़ते हैं, इसीलिए वो पूछी गई.
तो स्टैटिक कुछ अलग सी चीज नहीं है जो करंट अफेयर्स में आ रहा था, बस उसी का बैकग्राउंड दे आस्ट। कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के थे। और अगर मैं जीए स्पेसिफिकली जीए की बात करूं, जनरल अवेयरनेस की, लास्ट ईयर 19 के करीब क्वेश्चन होंगे, 19 क्वेश्चंस वर देयर। ये भी मैं बहुत कंजर्वेटिवली बोल रही हूँ, और उससे लास्ट ईयर भी लगभग 18-19 ही क्वेश्चन थे। जब मैं जीए की बात करती हूँ, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अपॉइंटमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट 6 months, कमिटीज दैट वर देयर इन न्यूज, जैसे राजीव गौबा कमेटी हो गई, किसके लिए जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हो गई, कोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये सब लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, बहुत ही ऑफबीट क्वेश्चन था, छोड़ने लायक क्वेश्चन था, बाउंसर था, नहीं करना था। बट स्टिल अगर कुछ हम पढ़ते हैं कभी, यू नो वी कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स, पूजा मैम वॉट एवर शी इज टेकिंग, वहां से वी कैन सॉल्व। स्पोर्ट्स लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज, पता नहीं इंडिया ने उसको कितने रन से हराया, समथिंग लाइक दैट, छोड़ने लायक क्वेश्चन था। बट कुछ क्वेश्चंस करने लायक भी होंगे। हम लोग पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक का मैस्कट क्या है जरूर बताना कमेंट सेक्शन। अवार्ड्स, फिल्म्स, फेस्टिवल्स, कोई मीटिंग है, कोई समिट है, कोई G20 की मीटिंग हुई, कोई AI बेस्ड समिट हुई, स्कीम्स, पोर्टल, कैंपेन, तो ये तो मैंने ESI में ऑलरेडी काउंट कर लिया, सो यू कैन जस्ट चेक इट ऑफ फ्रॉम हियर। सम इनिशिएटिव्स विच आर टेकन बाय इंडिया, ये तो हम वैसे भी PIB में भी पढ़ते हैं, बट स्टिल अगर हम GA के पोर्शन से देखें तो दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। रिपोर्ट्स एंड डाइसेस, ये मैंने ऑलरेडी वहां बोल दिया है, सो दिस ऑल्सो लेट्स रिमूव। ऑबिचुअरी लास्ट के 3-4 महीने की एक बार देख लेना। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, ये फाइनेंस का पोर्शन है, सो वील जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हेयर। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस न्यूज, वील अगेन रिमूव इट। सेंसस डेटा, सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये हम ऑलरेडी ESI का पोर्शन मान के चलते हैं। अब जीए बेस्ड क्वेश्चन क्या बचा? अपॉइंटमेंट, कमिटी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, फिल्म फेस्टिवल्स, मीटिंग्स, कोई इनिशिएटिव, कोई ऑबिचुअरी, या फिर एक्सरसाइज जो रह गया है यहाँ, डिफेंस एक्सरसाइजेस, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूछते हैं क्वेश्चंस। अब क्या करूं, ये जो मैंने यहाँ पे जो मार्क किए टॉपिक्स, ये जो ऊपर वाले 5-6 टॉपिक्स है, लास्ट के 6 months You try and remember. अगर इतना याद नहीं होता है तो एटलीस्ट लास्ट के 3 महीने का ये काम तो करके ही जाना, इट्स इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव रेड दीज 3 months, यू हैव रिवाइज्ड इट एटलीस्ट 3 times, देन गो फॉर द 4th month, अदरवाइज 3 पे स्टिक रहो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की एज मच एज यू कैन। इफ आई टॉक अबाउट दिस ESI एंड फाइनेंस, जहां से मैंने बताया कि मैक्सिमम पेपर यहीं से ही आ रहा है, तो ESI और फाइनेंस के लिए क्या करना है? लास्ट के मिनिमम 8 months, नहीं हो सकते 6 months, ये तो करना ही। रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, सेबी के सर्कुलर लास्ट के 8 months के करके ही जाने हैं। ये phase 1 में ही नहीं, phase 2 में भी काम आएंगे। और phase 1 में तो वी आर ऑलरेडी सीइंग कि अगर क्लोज टू 48 क्वेश्चंस खाली ESI और फाइनेंस के थे, और कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी अगर मैं मिला लूँ, तो रफली यू नो 50-55 questions आपके डायरेक्टली ESI फाइनेंस से आएंगे। Be it in your 2023 or 2022, close to 50-55 questions were from these two topics. That means these two topics hold a lot of relevance. I don't know what will happen this time, but definitely, you know, RBI ka agar hum pattern consider kare, to 5 questions to chhodne layak hote hi hain. 5 se bhi zyada hi maan ke chalo, 7 questions rehte hain. Ulte-pulte question hote hain, El Nino, La Nina. You know, ye questions is tarah ke hain, ki pura UPSC ka journey you have to do, only then you will be able to crack it. बट ये करने नहीं है, ये छोड़ने के लिए। अगर हम उन क्वेश्चंस को छोड़ दें, 10 क्वेश्चन को छोड़ दें, कितने बचे? 80 में से 70 questions बचे, जिसमें से 50-55 questions अकेले ESI फाइनेंस के आ रहे हैं, तो दैट मीन्स इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ रेलेवेंस। यू फर्स्ट ट्राई टू डू फाइनेंस, RBI सर्कुलर, सेबी सर्कुलर, क्योंकि बहुत अच्छा पे ऑफ है इनका। जैसे मैंने जनवरी मंथ के रफली 2 घंटे में कवर किए हैं, फरवरी मंथ के रफली 1 घंटे में कवर किए हैं RBI सर्कुलर्स। ये थोड़ा सा भी पढ़ के ना, इनका जो पे ऑफ है वो बहुत ज्यादा है, सो यू कैन जस्ट फोकस अपॉन देम। अब अगर मैं ESI की बात करूँ, हाँ गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हैं, रिपोर्ट्स बहुत सारी, पर रिपोर्ट्स भी सारी नहीं पढ़नी है। अब रिपोर्ट्स कौन सी पढ़नी है? जैसे RBI की एनुअल रिपोर्ट है, ESI है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है,
इस तरह की जो मेजर रिपोर्ट है इनको इन डेप्थ पढ़ना है। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं जैसे कि मान लो साइबर क्राइम इंडेक्स है, इंडिया की रैंक पता है, गुड टू, बस इतना ही चाहिए। इंडिया की रैंक पता है, फर्स्ट कौन है इतना पता है, दैट्स इट। किसने रिलीज की है, बस इतना ही जानना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना। बट हाँ, अगर SDG इंडिया इंडेक्स है, अगर बाकी इस तरह की कोई भी फ्लैगशिप रिपोर्ट्स है, यू नो पहली बार आई है या फिर बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, SDG तो ऑब्वियसली न्यूज में, सो दैट यू हैव टू कवर। इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।